तो ऐसे होता है ये चमत्कार। सारी मूर्तियों की आंखें इस तरह बनाई गई हैं कि इस केमिकल के संपर्क में आते ही मूर्ति की आंखों से खून के नकली आंसू निकलने लगते हैं। बहुत सही, क्या खेल रचा है। तो ठीक, अब कल सुबह मेरे घर की मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलेंगे और तब मैं देखता हूं कि मुझे लेने भगवान काल भैरव आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो मुझे कहां लेकर जाते हैं। आप ये क्या कर रही हैं? भाभी 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 छोड़िए, इसे मेरी बात सुनिए। बहुत सुन लिया तुम्हारा राहुल, और हर बार तुम्हारा साथ भी दिया है, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हम अभी के अभी ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? ये सब कुछ जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मैं अच्छे से जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, हमारे घर के बाहर काल भैरव की जो मूर्ति है उनकी आंखों में से आंसू जरूर आएंगे, और वैसा ही हुआ। तुम नास्तिक जो ठहरे, हर बार भगवान पे शक करते रहते हो, उनके नियमों को तोड़ते रहते हो, तो भगवान खुश तो होंगे नहीं, गुस्सा तो आएगा ना उन्हें। भाभी, अब इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें सजा दे और भगवान के हवाले कर दे, हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। भाभी छोड़िए इसे, भाभी। चलो राहुल। भाभी, याद है एक दिन हमने तुमसे कहा था कि इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दो? बहुत अच्छी तरह से याद है। आज हम तुमसे कह रहे हैं कि इनका सामान उठाकर इज्जत से घर के अंदर रख दो। और इनसे कहो कि ना तो ये गांव से भाग सकते हैं और ना ही भगवान काल भैरव की सजा से। जाओ। देवी जी, सुना आपने? और आपने भी? बहन जी, आपके घर के बाहर रखी काल भैरव के मूर्ति की आंखों से
खून के आंसू बह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर के सदस्यों में से एक सदस्य पापी है, अधर्मी है, जिसने भगवान काल भैरव के नियमों का उल्लंघन किया है। उसे अपने आप को सूर्यास्त के बाद भगवान काल भैरव को समर्पित करना होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मंदिर में, मंदिर के आसपास जंगलों में भटकने का, जासूसी करने का। देख लो अब भगवान के निराधार करने का अंजाम क्या होता है। लखनपाल जी, इनके घर पर नजर रखो और सूर्यास्त होते ही इसके हाथ पांव बांध कर गांव के चौक पर छोड़ देना। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है दादा ठाकुर, मैं तो खुद आपके भगवान से मिलने के लिए बेचैन हूं। तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। अब मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना तो हमारा कर्तव्य है, यह तो भगवान का भी आदेश है, लेकिन तुम पर हमारी नजर रहेगी। जरूर रखिएगा। शक्ति देवी ठाकुर को दाता ठाकुर का प्रणाम। सब की खबर रखती है शक्ति, लेकिन इस लड़के की ना रख पाई। बेचारी लाचार शक्ति देवी। इसकी मदद नहीं करोगी आज? अगर इसकी मदद करने का ख्याल दिल में भी आया और अगर इसकी तरफदारी या इसे बचाने की सोची भी, तो सूर्यास्त के बाद इसके साथ साथ तुम्हें भी बांध कर गांव के चौक पर भगवान काल भैरव को समर्पित कर देंगे। जय भगवान काल भैरव। कितनी परीक्षा लेंगे मेरी भगवान? उस दिन सूर्यास्त के बाद मेरे मंदिर में रह जाने पर भी आपने मेरी रक्षा की, तो फिर अब मेरी सांसें क्यों छीनना चाहते हैं? राहुल मेरी जिंदगी है भगवान, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? उसकी रक्षा करो भगवान, उसकी रक्षा करो। धर्म मार्ग नाशनम, काशी का पुनर्अधिनाथ।
गौरी बेटा, आज सोमवार है, शिव जी का अभिषेक है, तुम चल रही हो साथ में? हाँ बाबूजी, आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में मंदिर पहुंच जाऊंगी राहुल को लेकर। ठीक है बेटा। तुम्हारी हर उलझन, हर सवाल का जवाब भगवान जरूर देंगे, चलो मेरे साथ। अगर अब तक की तरह मेरा ये सपना भी सच हुआ तो कल सोमवार के दिन राहुल और मैं साथ में मंदिर आएंगे। कल मतलब आज रात राहुल के साथ कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ भगवान, अपने राहुल पर दया की। जय काल भैरव। तुम्हारे घर के बाहर भगवान की मूर्ति की आंखों से निकले आंसू सबने देखे हैं राहुल। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें चमत्कार कहते हैं। चमत्कार, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये चमत्कार मैंने ही किया है। क्या ये केमिकल देख रहे हो? अगर इसे मूर्ति के किसी भी हिस्से पर छिड़कोगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे मूर्ति की आंखों पर छिड़का जाए तो मूर्ति की आंखों से खून के छोटे आंसू निकलते हैं। मैंने अपने घर की मूर्ति की आंखों पर इसी केमिकल को छिड़क कर ये छोटे खून के आंसू निकाले हैं। अगर यकीन नहीं होता तो तुम लोग खुद करके देख सकते हो। राहुल, ये क्या किया तुमने? भगवान को चुनौती देना तुम्हें अच्छा लगता होगा राहुल, लेकिन हर विश्वास को अंधविश्वास समझना गलत है। अपने भाई का हाल देख चुके हो तुम, भाभी और मिंटी की जिम्मेदारी है तुम पर और तुमों की नम्रता। चलो तुम, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था यहां इसे समझाने, इससे बात करने, लेकिन इस पे किसी का असर नहीं होने वाला है। राहुल, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? हाँ, तुमने देखा था ना, वैद्य जी की लाश मंदिर में मिली थी और फिर भी तुमने। राहुल देखो, अभी भी वक्त है, तुम सबको बताओ। नम्रता चलो। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल आत्महत्या करने जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा ना। वो नहीं रुकने वाला है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भगवान से दुश्मनी मोल ले रहा है और मैं इसका साथ देकर भगवान को नाराज नहीं करना चाहता। तुम चलो साथ। भाभी, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। भाभी। राहुल, मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारे साथ मैं और मिंटी भी अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे। भाभी, तुम्हारी ये लड़ाई मेरे सुहाग और मिंटी के पापा के लिए है, इसमें हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? भाभी लेकिन अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए, लेकिन अभी तो सूर्यास्त में काफी वक्त, अभी के लिए तो आप लोग अंदर चलिए। लोगों को करने दीजिए यहाँ पहरेदारी, उन्हें लगता ना कि मैं यहां से भाग जाऊंगा। काश ऐसा हो सकता। भाभी चलिए चलिए अब।
राहुल, राहुल, चाचू, राहुल, राहुल दरवाजा क्यों बंद किया? राहुल दरवाजा खोलो, चाचू, राहुल, राहुल रुक जाओ, प्लीज दरवाजा खोलो राहुल, मैं तुम्हारे भैया को तो खो चुकी हूँ, तुम अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हो, मेरा और मिट्टी का क्या होगा? कुछ तो सोचो राहुल। भाभी, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे, ये जो कुछ भी मैंने फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया, हर मुश्किल हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राहुल। चाचू मैं बाहर निकालो ना, चाचू प्लीज। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, प्लीज दरवाजा खोलो ना राहुल, प्लीज। भाभी, कल सुबह खुद मैं अपने हाथों से दरवाजा खोलूंगा। अब है सूर्यास्त के बाद जो अपने आप को भगवान के हवाले करता है ना, वो या तो गायब हो जाता है या फिर मर जाता है। और ये सुनो क्या कह रहे हैं, कल सुबह आकर मैं खुद अपने हाथों से दरवाजा खोलूंगा। अरे राहुल, राहुल मेरी बात सुनो राहुल, राहुल दरवाजा खोलो राहुल, राहुल। तुम्हारे कहने का मतलब है कि राहुल ने यह सब कुछ जानबूझकर किया। जी पापा, मूर्ति की आंखों से अपने आप आंसू नहीं आए थे। पापा प्लीज राहुल को बचा लीजिए, सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राहुल के साथ मैं भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दूंगी। नास्तिक की इतनी चिंता है कि अपने परिवार वालों को छोड़कर उस पापी का साथ देना चाहती हो तुम? हाँ चलो हमारे साथ। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा कहाँ लेके जा रहे हो नंबर? पापा, पापा छोड़िए, पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, पापा। बड़ी रहो कमरे में। आज से पहले भी राहुल बहुत गलतियां करता आया है, लेकिन आज जो गलती उसने की है वो माफी के लायक नहीं है। पापा नहीं, पापा मेरी बात सुनिए, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, पापा मुझे राहुल के पास जाना है प्लीज। पापा आप तो बड़े राहुल चुपचाप कमरे के अंदर, और इस राहुल के मामले से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। भगवान के काम में विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। भाई, पापा। अगर ये नम्रता आज के बाद सूर्यास्त के बाद घर से बाहर दिखी और उस राहुल के साथ दिखी तो पहली गोली हम नम्रता को मारेंगे और फिर अपने आप को मारेंगे। पापा, पापा पैसे कुछ नहीं करेंगे। पापा, पापा सुनिए, मुझे राहुल को बचाना है, कुछ भी हो जाए प्लीज। पापा, भाई प्लीज पापा को जग जाओ। कोना कस के बांधो इसे, ठीक से छूट ना पाए।